इलेक्शन की धांधली के खिलाफ आज जमा हुआ है और ये जमा होने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग एक दिन में अपने जो जब तक आवाम की मैंडेट, आवाम का लूटा हुआ वोट, उसका हक वापस नहीं ले सकते, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। पिछले तीन दिनों से आप और हम टेलीविजन पे लैला मजनू की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख रहे हैं, आधा आधा घंटा लैला मजनू के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं, बेवजह। अब मुझे ये बताओ, जो करोड़ों आदमियों का मुर्शिद हो, रूहानी पेशवा हो, वो खुद फैसला करेगा। सालन का ये डेजारे निपुड़े कुचले दबाए पेर नेठा चिथियो वियो आहे, जो सिंध सा जेको भाषण कयूं सिंध माठ रहंदी। हुननि समझो त जिते सिंध जा लखे आफिसर विकामी विया आहिनि, जिते केतिरा ई कलमकार डिजी विया आहिनि, जिते केतिरा ई साबिका सियासी अॻवान माठ जो शिकार आहिनि, जिते जज ॾिनल आहिनि, जिते फोर्सिस जा माण्हू पुलिस ऑफिसर ॾिनल आहिनि, उते सिंध जो आम माण्हू बि डिॼी वेंदो। पर अॼु तव्हां हिन लखनि जे तइदाद में हिते गॾु थी इहो ऐलान कयो आहे त सिंध तयार आहे, सिंध मैदान में आहे, सिंध वेहण लाइ सिंध कफ़न सिर सां ॿधी निकिरी आई आहे। कराई धांधली किसने कराई? आज बच्चे बच्चे के जुबान पर है, आज उंगलियां उठ रही हैं आप लोगों की तरफ। खुदारा होश के नाखून ले और इलेक्शन के बाद जिस तरह एफआईआर हमारे वर्करों पे काटी जा रही हैं, एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मैं कहती हूँ उस पुलिस और ये होम मिनिस्ट्री से के अगर ऐसा किया तो दमादम मस्त कलंदर करके दिखाएंगे आपको। बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, वहां तो नारा लगता है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो अरे भाई, सिंध में क्या हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था, वहां जाके कहते हो कि शेर खून चूस रहा है अवाम का। मैं पूछती हूँ, सिंध की अवाम का खून कौन चूस रहा?